नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और डेली करंट अफेयर के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 18 अगस्त 2019 पर आधारित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे मैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो अगर आपको नहीं पसंद आता है तो वीडियो को डिसलाइक करके हमें ज़रूर बताएँ कि आपने वीडियो को क्यों डिसलाइक किया है। तो अभी कल रात में एक बहुत ही सैड न्यूज़ आई और उसमें ये बताया गया कि दूरदर्शन की न्यूज़ एंकर जिनका नाम है नीलम शर्मा, उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो 20 वर्षों से दूरदर्शन के साथ ये जुड़ी हुई थी और शायद हम आप सभी के बचपन में हमने दूरदर्शन पर न्यूज़ एंकर के रूप में इन्हीं को देखा था। तो इसी वर्ष नारी शक्ति सम्मान इन्हें दिया गया था राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। ब्रेस्ट कैंसर के कारण इनका नोएडा में निधन हो गया है। तो ये आपको याद रखना है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है आपके लिए। पहला आज का हमारा प्रश्न है कि तिरूर पान के पत्ते के लिए किस राज्य को GI टैग प्रदान किया गया। तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि तिरूर पान के पत्ते के लिए यहाँ पर केरल राज्य को GI टैग दिया गया है। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं GI टैग के बारे में, इसके बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि GI टैग मुख्य रूप से उस उत्पाद को दिया जाता है जो किसी विशिष्ट स्थान पर उगता है वहाँ की जलवायु विशेषताओं के कारण, या फिर ऐसे उत्पादों को दिया जाता है जिनका मूल स्थान वही राज्य होता है या उसी राज्य में इन पदार्थों का सबसे पहले उत्पादन हुआ था। तो इसके लिए GI टैग दिया जाता है और किसी भी उत्पाद को मात्र 10 वर्षों के लिए GI टैग दिया जाता है, उसके बाद में इसे रिन्यू कराना पड़ता है। तो यहाँ पर केरल राज्य को मिला है इस पान के पत्ते के लिए। केरल के मलप्पुरम जिले में इसकी खेती की जाती है। औषधीय गुण इसके बहुत सारे होते हैं और औद्योगिक रूप से भी इसका उपयोग किया जाता है। केरल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो राजधानी यहाँ की है तिरुवनंतपुरम, राज्यपाल यहाँ के हैं पी सदाशिवम और मुख्यमंत्री यहाँ के वर्तमान में हैं पिनरई विजयन। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य को ताहलो पुआन फैब्रिक के लिए GI टैग दिया गया। तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि मिजोरम राज्य को ताहलो पुआन फैब्रिक के लिए GI टैग दिया गया है। अब ताहलो पुआन फैब्रिक का मतलब है कि ये एक प्रकार का हमारा कपड़ा होता है और इसके लिए मिजोरम राज्य को यहाँ पर GI टैग मिला है। ताहलो पुआन मुख्य रूप से मिजोरम के आइजोल में और थिंजाल में इसका निर्माण किया जाता है और इसी के लिए मिजोरम को GI टैग मिला है। अगला हमारा प्रश्न है कि पुआन चेई साल, इसके लिए किस राज्य को GI टैग दिया गया। तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि पुआन चेई साल के लिए भी मिजोरम राज्य को यहाँ पर GI टैग दिया गया है। अब पुआन चेई साल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये जो साल है मुख्य रूप से मिजोरम में जो मिजो उत्सव होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है और इसके अलावा जो भी वहाँ पर नृत्य होते हैं उसमें भी इस साल का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको याद रखने हैं। कल कुल मिलाकर के 3 GI टैग दिए गए हैं और GI टैग इस वर्ष किन किन उत्पादों को मिले हैं इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, पूरे 2019 के GI टैग उसमें दिए गए हैं, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। मिजोरम राज्य के बारे में अगर हम लोग बात करें तो राजधानी यहाँ की है आइजोल, राज्यपाल यहाँ के हैं पद्मनाभा आचार्य और मुख्यमंत्री वर्तमान में हैं यहाँ के जोर मथंगा। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का कौन सा स्थान है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का पूरे विश्व में 8वां स्थान है। तो अभी रिपोर्ट आई और इसमें ये बताया गया कि वर्तमान में भारत के पास में 424.42 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार है और इसमें अभी तक का भारत के इतिहास में ये उच्चतम स्तर है। और सबसे ज़्यादा अगर हम लोग विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में बात करें तो इसमें पहले स्थान पर है चीन, और अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया भी था कि अमेरिका ने चीन को करेंसी मैनिपुलेटर की लिस्ट में शामिल किया है, इसीलिए क्योंकि चीन अपने यहाँ के पैसे को बहुत सस्ता करके डॉलर को खरीद करके रख लेता है। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में उपराष्ट्रपति MV नायडू कितने देशों की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि हमारे उपराष्ट्रपति
यम वेंकैया नायडू वर्तमान में तीन यूरोपीय देशों की यात्रा पर गए हैं। अब ये तीनों बाल्टिक नेशन हैं, कौन कौन से? एक तो है लिथुआनिया, एक लातविया और एक है इस्टोनिया। तो ये है हमारा प्यारा यूरोप, और यूरोप में यहाँ पर आप जाएंगे तो ये तीनों देश मिलेंगे। सबसे ऊपर है इस्टोनिया और इसकी राजधानी है तलिन। उसके बाद में दूसरा हमारा देश है जिसका नाम है लातविया, और लातविया की राजधानी है रीगा। और तीसरा हमारा देश है जिसका नाम है लिथुआनिया, और यहाँ की राजधानी है विल्नियस। तो ये मुख्य रूप से तीन देश हैं जिसकी यात्रा पर हमारे उपराष्ट्रपति गए हुए हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में 9 वर्ष के अद्वैत भारतीय ने किस महाद्वीप के सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई की है? तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि भारत के अद्वैत भारतीय ने अफ्रीका महाद्वीप के सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई की है। तो और इनकी उम्र है मात्र 9 वर्ष। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो पुणे के निवासी हैं अद्वैत भारतीय, और इससे पहले 6 वर्ष की उम्र में जो हमारे यहाँ पर माउंट एवरेस्ट है इसके बेस कैंप तक भी ये पहुँच गए थे। तो माउंट किलिमंजारो है सबसे ऊंची चोटी अफ्रीका की, और इसी पर इन्होंने तिरंगे को लहराया है। ऊंचाई इसकी है 5,895 मीटर। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में पिछले 3 हफ्तों के भीतर 3 चक्रवात आए हैं? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि पिछले 3 हफ्तों के भीतर जापान के अंदर 3 साइक्लोन आए हैं। अब इन तीनों चक्रवातों के नाम आपको पता होना चाहिए। एक का नाम है नारी, दूसरे का नाम है फ्रांसिस्को, और तीसरा है क्रोसा। तो इस नाम के 3 चक्रवात आए हैं जापान में। अब जापान के बारे में अगर हम लोग बात करें तो मैं आपको ये कई बार बता चुका हूँ कि ये मुख्य रूप से 4 द्वीपों से मिलकर के बना हुआ एक देश है। चारों द्वीपों के नाम आपको पता होना चाहिए, वो भी क्रम से। सबसे ऊपर आपको मिलेगा होकाइडो, उसके बाद में दूसरा द्वीप है होन्सू, जिस पर इसकी कैपिटल आपको मिलेगी। कैपिटल क्या है यहाँ की? टोक्यो। तीसरा यहाँ का द्वीप है जिसका नाम है सिकोकू, और चौथा यहाँ का द्वीप है क्योसू। तो ये चारों द्वीप मिलकर के जापान देश को बनाते हैं, और यहाँ के वर्तमान में पीएम कौन है? सिंजो आबे। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में पद्म श्री पुरस्कार विजेता दामोदर गणेश पापट का निधन हो गया, वह किस राज्य से थे? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि पद्म पुरस्कार विजेता दामोदर गणेश बापट जिनका अभी निधन हुआ है वे मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ राज्य के थे। तो दामोदर गणेश बापट मुख्य रूप से एक समाजसेवी थे। जनजातीय क्षेत्रों में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए थे, और इसके अलावा इन्होंने अपना पूरा जीवन जो भी लिप्रोसी के पेशेंट होते हैं यानी कि कुष्ठ रोगी होते हैं उनकी सेवा में समर्पित कर दिया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इनको पद्म श्री पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है कि सतत स्वच्छता यानी कि सस्टेनेबल सैनिटेशन के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ पर किया गया? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि हाल ही में नई दिल्ली में सतत स्वच्छता के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। आयोजन किसके द्वारा किया गया? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा, जिसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में ग्रीनलैंड की पिघलती हुई बर्फ की जांच के लिए किस स्पेस एजेंसी ने उसके ऊपर से उड़ान भरी है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने ग्रीनलैंड की पिघलती हुई बर्फ की जांच के लिए उसके ऊपर से उड़ान भरी है। इसरो हमारे है भारत की, जाक्सा है जापान की, और रॉस कॉस्मोस है रूस की। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है ग्रीनलैंड, और ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। हालांकि ग्रीनलैंड के ऊपर जो कब्जा है वह है किसका? डेनमार्क का। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में असम राज्य के पहले सीएनजी स्टेशन का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि असम राज्य के पहले सीएनजी स्टेशन का उद्घाटन किया गया है डिब्रूगढ़ में। सीएनजी के बारे में आपको पता होगा, इसका पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और ये जो गैस होती है अन्य गैसों के मुकाबले सस्ती भी होती है, और इससे हमारे पर्यावरण को बहुत ही कम नुकसान होता है, यानी कि जो कार्बन इमिशन है अन्य हमारे ईंधन के मुकाबले इससे कम होता है। अगला प्रश्न है
कि हाल ही में किस भारतीय पहलवान को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि बजरंग पुनिया को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। अब बजरंग पुनिया के साथ साथ यहां पर पैरालंपिक में रजत पदक जीतने वाली दीपा मलिक को भी इस पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। इसके साथ आपको याद रखना है कि 19 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड भी दिए जाने की घोषणा की गई है। अगर हम लोग खेल रत्न पुरस्कार के बारे में बात करें तो इसका पूरा नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और खेल के क्षेत्र में भारत का यह सर्वोच्च पुरस्कार है। 1991-92 में इसकी शुरुआत हुई थी और सबसे पहली बार हमारे यहाँ के चेस चैंपियन यानी कि शतरंज के महानतम खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को ये पुरस्कार दिया गया था। उन 19 खिलाड़ी जिन्हें अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा उनमें कुछ प्रमुख हैं जैसे कि मोहम्मद अनास, रविंद्र जडेजा और स्वप्ना बर्मन, तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में प्रसिद्ध लेखिका जिनका नाम है रिजिया रहमान, इनका निधन हो गया है तो वह किस देश से थी। इसके लिए ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रसिद्ध लेखिका रिजिया रहमान जिनका हाल ही में निधन हो गया वह बांग्लादेश की थी। यहां पर आप देख सकते हैं रिजिया रहमान को। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस प्रांत में आदि महोत्सव की शुरुआत की गई है। इसके लिए ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि लद्दाख में आदि महोत्सव प्रोग्राम की शुरुआत या आदि महोत्सव मेले की शुरुआत की गई है। अब ये मेले के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। 9 दिवसीय ये आयोजन होगा। थीम क्या है? थीम इसकी है ए सेलिब्रेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ ट्राइबल क्राफ्ट कल्चर एंड कॉमर्स, यानी कि जो भी हमारे जनजातीय लोग हैं उनके द्वारा जो उनकी शिल्पकलाएँ हैं, उनका जो कल्चर है या फिर जो उनका व्यापार है, वाणिज्य है, उसके संबंध में यहाँ पर चीज़ों को दिखाया जाएगा। तो भारतीय संस्कृति की विरासत जो है, भारत की सांस्कृतिक विरासत जो है, भारत की जो पारंपरिक कलाएं हैं और जो शिल्पकला है उसी पर आधारित ये महोत्सव किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में पूर्वी वायु कमान सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि मिजोरम में पूर्वी वायु कमान सम्मेलन का आयोजन किया गया। अब पूर्वी वायु कमान के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसका मुख्यालय ही है शिलोंग में, मेघालय के शिलोंग में इसका मुख्यालय है और यहीं पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया और इसका उद्घाटन किया वायुसेना प्रमुख BS धनोआ ने। अगला हमारा प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार द्वारा राज्य के सभी मंडलों में अटल बिहारी आवासीय स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य के जो वर्तमान में CM हैं योगी आदित्यनाथ, उनके द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी की पहली पुण्यतिथि के अवसर पर उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों में, कुल मिलाकर के 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश में, तो सभी मंडलों में अटल बिहारी आवासीय स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा आगरा में है एक स्थान बटकेश्वर, बटकेश्वर का मेला बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, पशु मेला यहाँ पर लगता है, वहाँ पर एक मेमोरियल भी बनाया जाएगा अटल बिहारी जी के लिए और इनकी एक 25 फीट ऊँची प्रतिमा को अनावरित किया गया है उत्तर प्रदेश के सचिवालय में। तो ये कुछ काम किए गए हैं उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश के बारे में अगर हम लोग बात करें तो राजधानी यहाँ की है लखनऊ, राज्यपाल वर्तमान में यहाँ की हैं आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री यहाँ के कौन हैं योगी आदित्यनाथ। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में पूरे देश में सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश राज्य में ही हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस नगर निगम द्वारा प्लास्टिक की थैली रखने या उसे सड़क पर फेंकने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया। तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने और इसका सही उत्तर होगा लखनऊ नगर निगम के द्वारा। ये अभी घोषणा की गई है कि प्लास्टिक की थैली रखने पर या उसे सड़क पर फेंकने पर आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। अब यहाँ पर अलग अलग जुर्माने की रकम रखी गई है, यानी कि अगर कोई समूह है या कोई संस्थान है तो उसके ऊपर अधिकतम 25,000 होगा, 50,000 नहीं 25,000 जुर्माना लगाया जाएगा और अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से करता है तो उसके ऊपर 1,000 रुपये जुर्माना के रूप में लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है भारत को जानो यानी कि नो इंडिया प्रोग्राम के 54वें संस्करण में कितने भारतीय मूल के युवा हिस्सा लेंगे। इसके लिए ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि भारत को जानो
प्रोग्राम जिसका 54वां संस्करण आयोजित किया जाना है। इसमें कुल मिलाकर के 40 भारतीय मूल के युवा हिस्सा लेंगे। यानी कि ये जो प्रोग्राम है नो इंडिया प्रोग्राम, इसका उद्देश्य है कि जो भी NRI लोग हैं, जो भी NRI हैं यानी कि भारतीय मूल के, वे लोग जो किसी अन्य देश में रहते हैं, वहाँ से लगभग कुछ युवाओं को हर साल चयनित किया जाता है, हर बार इनका चयन होता है और फिर ये भारत में आकर के भारत की संस्कृति के बारे में, भारत की भाषा के बारे में या जो भी भारत में विविधता होती है उसके बारे में यहाँ पर आकर के सीखते हैं। तो 2004 से इसकी शुरुआत की गई थी। भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है और इस बार जो हमारे पार्टनर राज्य हैं वे हैं पंजाब और हरियाणा। 25 दिवसीय ये प्रोग्राम होता है और इसमें मुख्य रूप से 18 से 30 वर्ष के युवा हिस्सा लेते हैं और इस वर्ष 9 देशों के लोग आएंगे। जैसे कि हम बात करें दक्षिण अफ्रीका की, इसके अलावा सूरीनाम की, गयाना की, फ्रेंच गयाना की, तो यहाँ से लोग भारत में आएंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक द्वारा ऋणात्मक ब्याज दर की घोषणा की गई है। इसके लिए ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जिस बैंक के द्वारा ऋणात्मक ब्याज दर की घोषणा की गई है। अब ऋणात्मक ब्याज दर क्या है इसको पहले समझिए। यहाँ पर कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति इस बैंक से 10 वर्षों के लिए होम लोन लेता है तो उसे 5% ब्याज दिया जाएगा। मतलब क्या है कि अभी आप जा करके अगर बैंक से लोन लेंगे तो क्या होगा, लोन के बदले में आपको प्रति वर्ष बैंक को कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर यह प्रोविज़न किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति बैंक से जा करके लोन लेता है तो उल्टे बैंक यहाँ पर उस व्यक्ति को ब्याज देगा। तो आवास ऋण पर यहाँ पर ऋणात्मक ब्याज दिया जाएगा इसकी तरह 0.50% और 10 वर्ष के ऋण पर यह ब्याज मिलेगा और जिस बैंक है डेनमार्क का बैंक। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पुनर्गठित की गई अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष कौन बने। इसके लिए ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि अभी हाल ही में जिस अंतर्राज्यीय परिषद का पुनर्गठन किया गया है इसके अध्यक्ष बने हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में अगर हम लोग बात करें तो राज्यों की जो भी समस्याएं होती हैं या फिर दो राज्यों के बीच में जो भी समस्याएं होती हैं, केंद्र से जो भी समस्याएं होती हैं, उन सभी समस्याओं के निपटारे के लिए या बेहतर योजना बनाने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है। सरकारिया आयोग के द्वारा इसकी सलाह दी गई थी। 1983 से 87 के बीच में सरकारिया आयोग था और उसी के रिकमेंडेशन पर इसका गठन किया गया था। आर्टिकल 263 के अंतर्गत इसका गठन किया जाता है। इसका गठन का जो पावर है वह है हमारे राष्ट्रपति के पास में, यानी कि राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ही इसका गठन किया जाता है और इसके पास में कौन सी शक्तियाँ होंगी, कौन से इसके कर्तव्य होंगे, ये सारी चीज़ें भी राष्ट्रपति जी के द्वारा ही डिसाइड की जाती हैं। अध्यक्ष इसके PM ही होते हैं, तो PM वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं तो वह इसके अध्यक्ष हैं। इसके अलावा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और जो भी हमारे यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री हैं वे लोग इसके सदस्य होते हैं। 6 कैबिनेट मंत्री को भी यहाँ पर नॉमिनेट किया जाता है, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, और इन 6 कैबिनेट मंत्रियों में गृह मंत्री का होना अनिवार्य है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि इस परिषद की एक अस्थायी समिति होती है जिसका गठन 1996 में किया गया था और इस अस्थायी समिति के अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष कौन है तो PM होंगे, लेकिन अगर अंतर्राज्यीय परिषद की अस्थायी समिति के बारे में आपसे पूछा जाए तो इसके अध्यक्ष होते हैं गृह मंत्री। तो करंट का सेक्शन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। चलिए जो मैंने आपसे कल प्रश्न पूछे थे उनके बारे में जान लेते हैं। पहला प्रश्न है कि पलानी पंचमीर्थम प्रसादम के लिए किस राज्य को GI टैग दिया गया। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न था कि कोरस अभी हाल ही में समाचारों में है, यह क्या है। तो कोरस मुख्य रूप से एक नई सुरक्षा बल है जिसका निर्माण रेलवे के द्वारा किया गया है और इनकी नियुक्ति की जाएगी जनजातीय क्षेत्रों में और पहला राज्य होगा छत्तीसगढ़ जहां पर इनकी नियुक्ति की जाएगी। अगला प्रश्न है कि PM द्वारा लाल किले से भाषण के दौरान किस नए पद के सृजन के बारे में घोषणा की गई है। तो ये नया पद होगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय सेब को फ्रांस की सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। इनका नाम है प्रियम चटर्जी। अगला प्रश्न था कि हाल ही में किस जिमनास्ट ने ट्रिपल डबल फ्लोर एक्सरसाइज लैंडिंग में नया रिकॉर्ड बनाया है। तो ये रिकॉर्ड बनाया है सिमोना बाइल्स ने जो कि USA की जिमनास्ट है। अब आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है कि हाल ही में किसे अब्दुल कलाम अवार्ड से सम्मानित किया गया और ऑप्शन इसके लिए आपके सामने दिए गए हैं।
अगला प्रश्न है कि उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ने वाली भारत की पहली एयरलाइन कौन बनी है। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर के कोच कौन बने हैं। चौथा हमारा प्रश्न है कि कुश्ती के जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है। और इसके बाद में आखिरी हमारा प्रश्न है कि वर्ल्ड जूनियर ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है। तो इन पांचों प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। आज से यूनेस्को की साइट प्रारंभ होनी थी, लेकिन कल हम लोग यानी कि मंडे से उसकी शुरुआत करेंगे। और आज रात को आप लोग टेस्ट के लिए रेडी रहिएगा। तीसरा हमारा करंट अफेयर पर टेस्ट होगा, जिसमें हम लोग 50 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और आपको सिंपली उस टेस्ट में बताना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे जरूरी कि पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।